ओम नमस्कार बंधु, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर टोटके पर। बंधु, आज के वीडियो में अभी हम बताने वाले हैं कि यदि आपके किसी दो लोगों के बीच में मनमुटाव कराना चाहते हैं तो ये उपाय करें। मगर किन लोगों के बीच में आप मनमुटाव करा सकते हैं? जो लोग मिलकर आपको परेशान कर रहे हैं, किसी भी तरीके से परेशान हो सकते हैं आप। हो सकता है कि वो जो उन दोनों में से कोई एक व्यक्ति है जो आपके बड़ा ही अच्छा संबंध था, और दूसरे व्यक्ति के आने की वजह से आपके संबंध बिल्कुल ख़राब हो गया है, पहले जैसा नहीं रहा है या बिल्कुल ही समाप्त हो गया है। या फिर किसी दूसरी तरीके से, यानी कि वो दोनों मिलकर आपको या आपके घर में किसी भी परिवार वाले को, सदस्य को परेशान करते हैं, तो भी आप ये उपाय करके ताकि इसमें आपको लाभ मिल सके। इससे पहले कि हम आपको आगे बताएं उपाय में क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो बार बार हमसे पूछी जाती है कि हमारा फ़ोन नंबर क्या है, कैसे आप हमसे बात कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन है, टेलीग्राम पे जाइएगा, डाउनलोड करें। इसका लिंक हमने इसी वीडियो के नीचे दे दिया है। इस पे हमारा ग्रुप है, ग्रुप का नाम है जो हमारे यूट्यूब के चैनल का नाम है, कागज पर टोटके। इसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको इसमें क्या क्या लाभ मिलेगा वो भी जान लीजिए। जैसे आप इसको में को ज्वाइन करेंगे, हम आपको किसी भी दिन मैसेज करके आपसे पूछेंगे कि आपकी क्या समस्या है, और फिर आपको आपके ग्रह नक्षत्र के अनुसार हम उपाय बताएंगे। तो इसमें लाभ यही होता है, जितनी जल्दी आप अपने ग्रह नक्षत्र के अनुसार उपाय करें जो कि आपके लिए बने हैं उपाय, तो उसमें ज़्यादा लाभ मिलता है। यूट्यूब वाले जो हम उपाय बताते हैं तो वो आपके ग्रह नक्षत्र के अनुसार है या नहीं तो वो हम ऐसे नहीं बता सकेंगे। तो जब आप हमसे जुड़ जाएंगे तो हम आपको मैसेज करके आपसे आपकी व्यक्तिगत समस्या का पूछेंगे और आपको उसका जवाब देंगे। अब हम बताते हैं कि इस उपाय में आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको एक यंत्र बनाना है, फिर अंदर इसको इसके अंदर आपको जो पहला व्यक्ति है उसका नाम लिख देंगे और नीचे की तरफ दूसरे व्यक्ति का नाम लिख देंगे जिसको आप इन दोनों को अलग करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब इस व्यक्ति का जिसका नाम है उसकी तस्वीर यहाँ बनाएंगे आप। तस्वीर है अगर आपके पास, यानी कि फोटो है अगर आपके पास, तो फोटो चिपका देंगे। और जैसे हम जल्दबाजी में बनाते हैं तस्वीर, कभी आप जल्दबाजी में कभी भी तस्वीर मत बनाइएगा, ये हम आपको बार बार बताते हैं। कभी भी 2 से 3 मिनट अवश्य लें एक तस्वीर को बनाने में। इससे ये होता है, ध्यान पूरा केंद्रित हो जाता है, दिलो दिमाग मानता है कि हाँ यही है वो व्यक्ति जिनके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। पूरा ध्यान लगा के आपको ये तस्वीर बनानी होती है। इसके बाद जब आप ये आप बना लेंगे, अब इसके अंदर आपको लिखना है यहाँ पर 71 92 40 77 और इधर 81। ये पास से हम आपको अभी दिखा देंगे। और यहाँ लिखना है आपको 44 13 13 11 72 99 10। पहले आप देख लीजिए नज़दीक से, 71 92 40 77 81 44 13 13 11 72 99 और 10, ये आपको लिखना है। इसके बाद आपको जो ऊपर वाले हैं, यानी कि ये और ये, जितनी बार ये है, यानी ये 71 बार है और ये 44 बार है, इस व्यक्ति के ऊपर जिसका ये नाम लिखा हुआ है आपको कांटा मारना है इस व्यक्ति के ऊपर 71 बार ऐसे। और जल्दी जल्दी नहीं मारना है, आराम से मारना है कांटा। जब कांटा मार रहे होंगे तो अपने दिमाग में सिर्फ ये रखना है कि हाँ इन दोनों की वजह से जो आपको परेशानी हो रही है वो समाप्त होती जा रही है, इन दोनों के बीच में मनमुटाव हो रहा है और ये दोनों मिलकर परेशान नहीं कर रहे हैं। 71 बार इस पे, अब इस पे 44 बार, इस पे 44 बार करेंगे यही सोचते हुए। और आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं जो आप चाहते हैं, उधर आप लिख भी सकते हैं कि ये मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ इन दोनों के बीच में ऐसा ऐसा हो, ताकि जब आप कांटा लगा रहे हैं तो पढ़ लें, पढ़ते पढ़ते भी लगा सकते हैं या फिर दिमाग में रख के भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब अगली बार इधर करेंगे
44 बार दूसरी रंग की कलम से 44 बार इस पे कांटा मारेंगे, और वही सोचेंगे जो लिखा था वो इस वाले पे 71 बार करना है, कांटा मारना है। तो कांटा मारते हुए सिर्फ आपको वो सोचना है जो आप चाहते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में मनमुटाव हो, लड़ाई हो, कलेश हो, ताकि ये दोनों आपस में मिलकर आपको परेशान करना बंद करें। दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं ये व्यक्ति आपके पास वापस आए, जैसे पहले संबंध था आपका वैसा ही स्थापित हो जाए, तो वही लिखना भी है आपको। अगर नहीं लिखा तो सोचना भी वही है कि हाँ, इन दोनों के बीच में तो मनमुटाव हो रहा है और ये व्यक्ति वापस आपके पास पहले की तरह वापस आ रहा है, जैसे कि ये पहले आपके साथ संबंध था, अच्छा संबंध था, वैसे ही वापस आपके पास आ रहा है या आ रही है। तो यदि पुरुष है तो पुरुष की तस्वीर बनाएंगे, और यदि स्त्री है तो स्त्री की तस्वीर बनाएंगे। और फिर आखिर में यदि कर चुके होंगे आप 71 बार इसका, 44 बार इसका, ठीक है, फिर इधर 44 बार और फिर इधर 31 बार, 71 बार करने के बाद आखिर में इनके ऊपर सिर्फ एक एक बार कांटा लगा देंगे। कांटा लग गया है, अब इसके ये जो पूरा यंत्र है इसको आप पानी में रखें 1 घंटे तक, 1 गिलास के अंदर पूरा ऐसे बंद करके, और जब इसको बाहर निकालेंगे फिर आराम से यूं फाड़ देंगे आप। बीच में से यूं फाड़ देंगे, है ना? जब गीला हो जाएगा तो बड़ी आसानी से फटना शुरू हो जाएगा, तो आपको उसको ऐसे फाड़ देना होगा। तो पूरा फाड़ देना है आपको। फाड़ने के बाद इसके चिथड़े हो जाएंगे, जो उसको आप फेंक कर आ जाएंगे कूड़े कबाड़े में, जहां पे भी आप इसको फेंक कर आ सकते हैं। ये उपाय आपको बुधवार को या फिर शुक्रवार को करना है, किसी भी एक दिन करना है। साफ सुथरे कागज का इस्तेमाल करेंगे, और एक बात का ध्यान रखना है, इसको शाम होने से पहले पहले कर लेना है, अंधेरे में इसको ना करें, शाम होने से पहले पहले इन 2 दिनों में से किसी भी एक दिन कर लीजिए, और एक ही दिन का उपाय है। यदि आपके ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे चल रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन हैं, और ये आपके ग्रह नक्षत्र के अनुसार ये उपाय सटीक बैठ गया, तो निश्चित तौर पर आपको इसमें इतना लाभ मिलेगा कि भी आपने सोचा भी नहीं होगा। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम पे आइए, हमारा ग्रुप है, उसका नाम है कागज पर टोटके। जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप होता है, वैसे ही एक ग्रुप हमने बनाया है टेलीग्राम पे। इस पे जितने मर्जी लोग जुड़ सकते हैं, इसलिए हमने इसको जोड़ा है। अब बात आती है कि इतने सारे लोग होंगे तो क्या सब आपका फोन नंबर देख पाएंगे? नहीं, कोई नहीं देख पाएगा आपका फोन नंबर, ना ही आप किसी और का फोन नंबर देख पाएंगे। प्राइवेसी बनी रहेगी, सिर्फ हमारा ग्रुप है इसलिए हम ही आपका फोन नंबर देख पाएंगे, और हम आपको मैसेज कर देंगे किसी भी दिन, और फिर आप देखेंगे आपको इसमें बेहतरीन यानी कि बहुत अच्छा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, जब हम आपको मैसेज करके आपको उपाय का आपके ग्रह नक्षत्र के अनुसार बता देंगे। तो बंधु, यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखा आपने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।